फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कुछ एसएससी और रेलवेज की बायोलॉजी। अभी तक जो हम करते आ रहे थे क्वेश्चंस का करते आ रहे थे, आज हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एक टॉपिक है उसके बारे में हम पूरा कवर करेंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। जो बायोलॉजी का है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इसका देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनाइज्म आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनाइजम्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड किया गया है। तो अपन पहले फर्स्ट प्लांट्स पे फोकस करते हुए प्लांट्स के बारे में अपन उसके बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट्स दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिसमें कि फ्लावर्स रहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं रहते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा वो वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनकी थैलोस लाइक बॉडी होती है, जिसमें कि स्टेम, लीव्स और जो कि उनकी स्टेम्स लीव्स रहती हैं, वो अलग अलग नहीं रहती, सिर्फ एक थैलस लाइक बॉडी रहती है, उसी में रहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है एल्गे एंड फंगी है। एल्गे फंगी बैक्टीरिया भी है। एल्गे और फंगी, एल्गे वो होती है जो नदी में होती है, और जो काई हिंदी में इसको कहते हैं फंगाई। आपने कभी देखा होगा, अगर ब्रेड को एक टुकड़ा ले, उसको अपन उस पर पानी सा डालते हैं और 2-3 दिन के लिए रखते हैं, तो उसमें जो हरा हरा सा फफूंदी सी हिंदी में बोलते हैं उसे, अगर वो जम गई तो उसे फफूंदी कहते हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के जो एग्जाम्पल है मोसिस एंड लिवर बॉम्स से हैं, और जो मॉइस्ट लेयर पे, मॉइस्ट एरिया में कहीं पर भी उगाते हैं, जैसे कि घर की छत पर अगर उधर पे पानी है तो वहाँ पे उगाएंगे। पेट्रियोडोफाइटा मेनली रहते हैं गार्डन्स में, इनकी पत्तियां सी रहती हैं जो मेनली उगते हैं गार्डन्स में उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। और थर्ड देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड। फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम पहले से बता चुके हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स वो होते हैं जिनके फ्लावर्स रहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को कई पार्टों में डिवाइड किया गया है किसी एक बेसिस पे। पहला देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीड्स लीव्स। सीड्स के जो सीड्स रहते हैं उसमें कितनी लीव्स रहती हैं, तो डाइकोटिलेडंस में 2 सीड्स लीव्स होती हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि पी पी मटर, मटर में 2 लीव्स जो उसमें सीड होता है उसमें 2 लीव्स रहती हैं। आपने कभी खोल के देखा होगा मटर को, तो उसमें एक इस साइड रहती है और एक उस साइड रहती है। मोनोकोटिलेडंस के बारे में देखें तो इसमें 1 सीड्स लीव्स रहती हैं। इसमें 1 सीड्स लीव्स जैसे कि भीट, भीट में अगर देखें तो उसमें एक एक लीव्स रहती है उसके सीड की कवर करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन के बारे में देखें तो तीन तीन प्रकार के पेड़ होते हैं, एनुअल, बाइनियल और प्रेनियल। एनुअल होता है 1 ईयर के लिए, बाइनियल होता है 2 साल के लिए, जो चलते हैं पेड़ 2 साल के लिए रहते हैं, और पेरिनियल फॉर सेवरल ईयर्स के रहते हैं जैसे कि मैंगो। और ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइज के अकॉर्डिंग भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स प्लांट्स रहते हैं, वो नो बॉडी प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर व्हीट, मिंट और टोमेटो। शर्ब्स के बारे में देखते हैं, बूडी प्लांट्स रहते हैं, 3 से 5 मीटर के रहते हैं, जैसे कि लेमन और चाइना रोज, इसका एक एग्जाम्पल है। ट्रीज देखते हैं, ट्रीज लार्ज एंड टॉल रहते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है मैंगो, नीम और बनियान ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के बारे में देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट में देखेंगे, इसमें भी 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, मीसोफाइट, जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट। इससे क्वेश्चन आता है, मीसोफाइट्स वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर में उग जाते हैं, जैसे कि नीम, मस्टर्ड, पीपल। और जीरोफाइट्स वो प्लांट्स रहते हैं जो कि ड्राई सॉइल में उगते हैं, जैसे डेजर्ट में उगते हैं, कैक्टस और एशिया और एसेसिया। अब इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, द प्लांट्स ग्रोज इन डेजर्ट, और क्या बोलते हैं उन्हें, तो उसे कहते हैं जीरोफाइट्स बोलते हैं। वाटर में प्लांट्स उगते हैं तो हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कि बॉटल और वाटर लिली एंड लोटस, इन 2 एग्जाम्पल हैं। ऑन
ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में तो होते हैं, दो पार्ट को क्लासिफाई किया गया है, ऑटोट्रॉफ्स और हीटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो प्लांट्स रहते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स रहते हैं और उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है लीव्स में, और वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की दोनों की ज़रूरत होती है, जब भी वो अपना खाना बना पाते हैं। हीटोट्रॉफ्स नॉन ग्रीन प्लांट्स रहते हैं विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। उनके पास क्लोरोफिल ना होने की वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं। हीटोट्रॉप्स के दो पार्ट होते हैं, सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। अब हम देखते हैं, अभी अपन ने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन देखे थे, अब अपन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू, एनिमल्स को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, इनवर्टिब्रेट एनिमल और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी विदाउट बर्बर कॉलमन यानी कि मतलब उनकी बैकबोन नहीं होती है, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन होती है। पहले अपन इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स को 8 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 9 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है जो कि अमीबिया और यूग्लिना है, पॉलीफेरा है, स्पॉन्जिस कोएनलिंटीरेटा हाइड्रा है, प्लेंटी हेलमिंथेस है उसका एग्जाम्पल है, टेपबॉम एसिडमिंथेस है वो उसका एग्जाम्पल है, राउंडबॉम एनिलिटा है उसका एग्जाम्पल है, अर्थबॉम आर्थोपोडा है उसे बटरफ्लाई उसका एग्जाम्पल है, बटरफ्लाई मॉलुकस है उसका एग्जाम्पल है स्नेल, और इग्नोडर्मेटा है उसका एग्जाम्पल है स्टारफिश। ये 9 प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जिसकी बैकबोन नहीं होती है, वर्बल कॉलमन नहीं होती है। वर्टिब्रेट एनिमल्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेट एनिमल्स और वर्बल कॉलमन बैकबोन उनकी बैकबोन होती है, जैसे कि फिशेस, फिशेस मीन्स फिशेस, फिशेस का एग्जाम्पल है रोहू, एक एग्जाम्पल है एम्फीबिया। एम्फीबिया वो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर पे में भी ले रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है फ्रॉग और टॉड। रेप्टेडिया जो ज़्यादातर उनकी स्किनी बॉडी होती है जिसमें लाइनसी ड्रॉ रहती हैं उसे रेप्टेडिया कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है स्नेक्स। एबिस, एबिस जो होते हैं जो बर्ड्स होती हैं इनके भी बैकबोन रहती है, इसका एग्जाम्पल है पीकॉक। मैमेलिया इसका एग्जाम्पल है एक एलिफेंट, एलिफेंट की बोन रहती है। अब ये तो था दो पार्ट में क्लासिफिकेशन। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया गया है, पहला है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि लैंड पर रहते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं। बोरोइंग एनिमल्स वो होते हैं जो कि एक विल बना के रहते हैं, लिव इन बोरोस अंडर द ग्राउंड। और एबोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि ट्रीज पे रहते हैं, जैसे कि स्क्वायरल। एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि हवा में उड़ते हैं, जैसे कि बर्ड्स हुई अपनी, और भी जैसे कि स्पैरो, पैरेट बहुत सी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट के बारे में बात करेंगे तो फूड हैबिट में हैबिटेट को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट हर्बीवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोरस एनिमल्स रहते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खा के अपना पेट भरते हैं, खाना उनका दूसरा एनिमल्स रहता है। ओमनिवोरस जैसे कि कार्निवोरस में टाइगर हो गया, और हर्बीवोरस में काऊ हो गई है। ओमनिवोरस एनिमल्स वो रहते हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे कि बियर, बियर बियर मांस भी खाता है और घास फूस भी खाता है, प्लांट्स को भी खाता है। पैरासाइट्स एनिमल्स वो होते हैं जो दूसरे की शरीर में रह के वो उनका खून, उनका जो होता है भोजन लेते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स, जैसे कि जुए एग्जांपल के तौर पर।